माई सेल्फ प्रभात कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस बुक का नाम है बायो इनऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको आपको पढ़ना है। और पहला चैप्टर है इसमें केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पूरा देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन, और डिफिनीशन से पहले हम कार्बोहाइड्रेट टर्म्स को समझेंगे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है पानी, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सैक्राइड्स नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं। सैक्राइड जो शब्द है वो शब्द सैक्रॉन से बना हुआ है, सैक्रॉन्स का मतलब होता है शुगर, शुगर मतलब मीठा, ठीक है। तो शुरुआत में जितने भी कार्बोहाइड्रेट खोजे गए थे वो सारे स्वाद में मीठे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट मिले जो स्वाद में नहीं मीठे थे, जैसे पॉलीसेक्राइड्स जो है स्वाद में उतने मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे हम केमिस्ट्री में अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें कि केमिस्ट्री में अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इस बात को थोड़ा अच्छे से याद करना कि व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो इसका लिखो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप इसे केमिस्ट्री में ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि कौन सा कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके लिए आप देखोगे कि उसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई एक होना चाहिए, और उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप होना चाहिए, यानी दो से अधिक का हाइड्रोक्साइड ग्रुप होने चाहिए, तो ही जाके वो कार्बोहाइड्रेट होगा। वही बात करें इसके जनरल फार्मूला की, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n का होल n, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। और अब देखो कार्बोहाइड्रेट बनते कहाँ, ये क्वेश्चन उठता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, मेजॉरिटी ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, जो प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वो जो है अपना फूड मटेरियल ग्लूकोज बनाते हैं, जो प्रोसेस होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। तो प्लांट के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंथेसाइज होते हैं, जो अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट ही सिंथेसाइज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो है तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अब हम इन तीनों को हम साइड बाय साइड समझ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो देखो जो मोनो जो शब्द यूज़ किया जाता है वो एक के लिए यूज़ किया जाता है, उसी तरह बाई दो के लिए, ट्राई तीन के लिए, टेट्रा चार के लिए, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जो मोनो मतलब हुआ एक और सैकेराइड मतलब होता है शुगर, यानी जिसमें एक सिंगल शुगर हो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे फर्दर शुगर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसे हाइड्रोलिसिस से फर्दर शुगर नहीं मिलता, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो इसे और अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। देखो ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, सैकेराइड मतलब होता है शुगर, यानी फ्यू शुगर, फ्यू शुगर मतलब कुछ शुगर, यानी जब हम इसे तोड़ते हैं ओलिगोसैकेराइड को तोड़ते हैं तो 2 से लेकर 10 जो है मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं, शुगर के मिलते हैं, इसलिए इसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉली मीन्स होता है मेनी, सैकेराइड मिलता है शुगर, यानी इसके टूटने से 10 से ज़्यादा जो है मोनोसैकेराइड्स मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो अब हम लोग चलते हैं मोनोसैकेराइड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर अ सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू द सिंपलर शुगर, ठीक है। तो इसे आप जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स से जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेंटोज शुगर में आपका डीऑक्सीराइबोज, राइबोज हो जाएगा, ग्लिसरलडिहाइड, ये सब जो है मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है,
अब देखो, हम शुरुआत में ही तुम लोगों को बताए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। तो अगर उसमें मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड है तो उसे एल्डोज कहेंगे और कीटोन है तो उसे कीटोज कहेंगे। ये नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कि उस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे कहेंगे एल्डोज और कीटोन ग्रुप है तो उसे कहेंगे कीटोज। ठीक है, तो ये नाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड की तो वो होता है ग्लिसरलडिहाइड, या फिर आप कह सकते हो दूसरा जिसमें कीटोन ग्रुप है उसको हम कह सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये दोनों जो है सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें तीन कार्बन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगो मीन्स होता है फ्यू और सैकेराइड मतलब होता है शुगर, यानी फ्यू शुगर, यानी जिनके टूटने से 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं वो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की तो ये पानी में कम घुलते हैं यानी कम घुलनशील होते हैं, लेस डिजॉल्व इन वाटर एंड लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी स्वाद में कम मीठा हुआ करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो देखो ओलिगोसैकेराइड्स के टूटने से जो है सिंपल शुगर मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। अगर एक ओलिगोसैकेराइड से दो शुगर मिल रहा है तो उसे कहेंगे डाइसैकेराइड, 3 मिले तो कहेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 मिले तो टेट्रासैकेराइड, यानी कितने शुगर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं उस आधार पर इससे डिवाइड किया गया है। अगर 2 शुगर मिल रहा है तो डाइसैकेराइड, 3 शुगर मिल रहा है तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिला है तो टेट्रासैकेराइड, तो इस तरह इसका नाम दिया गया है। ठीक है, कि हाउ मेनी मोनोसैकेराइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओलिगोसैकेराइड, ऑन दिस बेसिस द क्लासिफिकेशन हैज बीन डन। ठीक है, तो कितने मोनोसैकेराइड्स मिले इस आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ये लिखा हुआ है, उसके सामने नंबर ऑफ कार्बन यानी कितने कार्बन मिलते हैं। जैसे डाइसैकेराइड है तो अगर वो उसको हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो 2 शुगर मिलेगा, और ट्राइसैकेराइड है तो उसको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो 3 शुगर मिलेगा। तो दूसरा जो है नंबर ऑफ कार्बन से यानी उसके हाइड्रोलिसिस से कितने जो है शुगर मिल रहे हैं उसको लिखा गया है, और इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे डाइसैकेराइड जो तीनों एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। जैसे आपका माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे रट लीजिए। जैसे माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी इनके इसमें जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही होता है। और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड होता है शुगर, यानी जिसके हाइड्रोलिसिस में से हमें 10 से ज़्यादा शुगर मिल रहे हैं उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड के यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 9 लिखवा है, 9 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, इंसुलिन, ग्लाइकोजेन, ये सारे जो हैं पॉलीसैकेराइड में आते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कितने टाइप्स के होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो होता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा जो होता है वो हेटरोपॉलीसैकेराइड। देखो होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, नाम से ही पकड़ो, होमो मतलब होता है सेम, पॉलीसैकेराइड मतलब पॉलीसैकेराइड आप जानते हो मेनी शुगर वाले। ठीक है, तो होमो मीन्स सेम, यानी जिनके हाइड्रोलिसिस से सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिल रहे हो उसे कहेंगे होमो पॉलीसैकेराइड। और हेटरोपॉलीसैकेराइड उसे कहते हैं जिसके हाइड्रोलिसिस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मिल रहे हो उसे कहेंगे हेटरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था होमोसैकेराइड मतलब होता है सेम, यानी जिसके हाइड्रोलिसिस से सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं उसे कहते हैं होमोसैकेराइड। ठीक है, होमो को सैकेराइड्स को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं होमोग्लाइकॉन। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपको हो जाएगा सेलुलोज, इंसुलिन, स्टार्च। और वहीं हेटरोसैकेराइड की बात करें तो हेटरोसैकेराइड्स को हेटरोग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और इसका एग्जांपल हो जाएगा हिपेरिन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। इसके आगे के वीडियोज़ में हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।